इस वक्त हम पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के रहनुमा और लेयर के रूह रवान और पाकिस्तान पोल्ट्री की मुख्तलिफ सरगर्मियों में मुतहरक रहने वाले FCCI में पोल्ट्री स्टैंडिंग कमेटी के साबिक चेयरमैन जनाब राना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब के साथ मौजूद हैं। राना साहब का तल्लक जो है वो आरफवाला से है और इन्होंने अपने काम का आगाज़ जो था वो आज से काफ़ी साल पहले किया, ब्रायलर फार्मिंग से होते हुए लेयर फार्मिंग से होते हुए अब ये फीड मिलिंग में चले गए हैं और माशाल्लाह उस इलाके को एक अच्छा जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फीड भी। तो राना साहब ये बताइए कि इस वक्त जो पोल्ट्री की मजमूई सूरत हाल क्या है और आप इसको किस नुक्ता नगार से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोल्ट्री का जो बिजनेस माशाल्लाह हम तकरीबन 30-35 साल से कर रहे हैं तो अल्लाह के फजल से यहाँ से डेवलपमेंट हुई है, रोज़ कमाया है और बहुत लोगों का रिज़्क इन्वॉल्व है। तो इंशाल्लाह ताला आज थोड़ा सा बुरा वक्त है, ओवर प्रोडक्शन है और कुछ मुल्की हालात की वजह से फीड के रेट में काफ़ी इजाफा हुआ, उसकी वजह से कास्ट में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आज फार्मर काफ़ी नुकसान में जा रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये वक्त आते जाते रहते हैं, किसी वक्त मुनाफा होता है, किसी वक्त नुकसान होता है, ये कारोबार की खूबसूरती होती है और इसी चीज़ का नाम ही कारोबार है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारे इस वक्त मुश्किल वक्त को जल्दी आसानी में बदले और रेट बेहतर हों ताकि फार्मर सर्वाइव कर सके। अगर ज़्यादा देर लंबा ये रेट चलेगा तो नतीजा ये होगा कल को मुर्गी उतनी ज़्यादा महंगी होगी और आवाम पर ज़्यादा बोझ बढ़ेगा। कोई ऐसे इकदाम आप तजवीज़ करें कि जो हमें करने चाहिए पोल्ट्री इंडस्ट्री को ताकि मौजूदा बहरान से हम जल्द अज जल्द निकल सकें? हाँ, मेरे ख्याल में सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि जो हमारी सप्लाई लाइन है ना वो बहुत ज़्यादा है, जिससे क्या होता है ग्रेन के भी शार्टेज आ रही है, जो वो भी मुल्क में बोझ जो हम बाहर से मंगाते हैं सोयाबीन वगैरह उससे नज़रें मुबादला भी बाहर जा रहा है। तो कोशिश करें कि थोड़ी सी प्रोडक्शन को कम कर लें, जितनी हमारी ज़रूरत है उतनी करें तो इंशाल्लाह ताला उससे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, हमें इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा, आम हमारे कंज्यूमर को भी मुनासिब रेट पर गोश्त मिलता रहेगा, अंडे मिलते रहेंगे। तो ये हमें फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए कि सप्लाई लेने को कम करें और साथ साथ क्यों हमारी पर कैपिटा बहुत कम है, अंडा भी और गोश्त भी दुनिया में 30-35-40 किलो तक है जबकि हमारे 8-9 किलो तक, जबकि अंडे से दुनिया में 350-300-200 तक हैं जबकि हमारे सिर्फ 90-80 की दाई में फिर रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि प्रोडक्शन अपने डिमांड को इनक्रीज करने के लिए लोगों को ये प्रोग्राम करें, सेमिनार करें ताकि लोग सस्ती और अच्छी मुर्गी अच्छी खुराक अपने तक पहुँचाने में पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया राना साहब, थैंक यू जी, बहुत मेहरबान।